हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी टेक। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल में आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब्स या प्राइवेट जॉब्स दोनों के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको बहुत से फिल्टर्स के ऑप्शन दिए हैं, जैसे आपको फुल टाइम जॉब चाहिए, पार्ट टाइम जॉब चाहिए, या फिर आपको वर्क फ्रॉम होम की जॉब चाहिए। इस तरह से कई ऑप्शंस आपको इस पोर्टल में मिल जाते हैं। और भी बहुत से ऑप्शंस हैं कि आप अपनी सैलरी भी डिसाइड कर सकते हैं, या नियर बाय जो जॉब्स आपके अवेलेबल हैं वो भी यहाँ पे पता चल जाता है, या फिर कोई कैंप लगा है जॉब्स के लिए तो उसके बारे में भी यहाँ आपको पता चल जाता है। तो काफ़ी ऑप्शंस भी हैं, बहुत इजी है इसमें जॉब सर्च करना। स्टेट वाइज जॉब जो भी अवेलेबल होती हैं वो आपको पोर्टल पर ही शो कर दी जाती हैं। तो मैं ले चलता हूँ आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और दिखाता हूँ किस तरह से आपको NCS में रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद किसी भी जॉब के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप मोबाइल की स्क्रीन को देख सकते हैं, आप अपना जो क्रोम ब्राउज़र है उसे ओपन करेंगे और टॉप राइट कॉर्नर पे आप थ्री डॉट्स देख सकते हैं। इस थ्री डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये देखिए एक डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन मिलता है, जिसके आगे बॉक्स बना हुआ है। आप इस पर टिक कर देंगे तो आपकी जो मोबाइल स्क्रीन है वो एज अ डेस्कटॉप साइट रन होगी। अब आप जब इसमें NCS सर्च करेंगे तो आपको वही लुक ऑफ फील आएगा जो मैं आपको डेस्कटॉप पर दिखा रहा हूँ। तो आप इस तरह से देख सकते हैं दोनों स्क्रीन आपके सामने साइड बाय साइड चल रही है। तो आप अपने ब्राउजर पे सर्च करेंगे NCS पोर्टल तो आपको ये पहला URL मिल जाएगा www.ncs.gov.in। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑफिशियल वेबसाइट नेशनल कैरियर सर्विस की ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्रीन में यहाँ पे स्टेट एंड यूनियन सेक्टर या अदर्स के ऑप्शन दिए हैं आपको जॉब्स को देखने के लिए, सर्च करने के लिए। तो आप इस हिसाब से भी यहाँ फिल्टर कर सकते हैं। अगर आपको अपने स्टेट की सेलेक्ट करनी है तो आप यहाँ स्टेट एंड यूनियन पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका स्टेट है आप वहाँ पे जॉब को सर्च कर सकते हैं, कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, यहाँ नंबर ऑफ जॉब्स दिखा दी जाती हैं। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट के लिए भी सर्च करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो उस स्टेट में कितनी जॉब्स हैं यहाँ दिख रही होती हैं, लेकिन कौन कौन सी जॉब्स हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ जैसे उत्तर प्रदेश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं कीवर्ड से आप सर्च कर सकते हैं जॉब्स के टाइप को। लेकिन अगर अभी आप कीवर्ड्स और जॉब लोकेशन या सैलरी के हिसाब से नहीं सर्च करना चाहते, ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से यहाँ नहीं करना चाहते हैं, तो आप बस स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे सारी जॉब्स आपको मिल जाएगी। अगर आप फिल्टर कर लेंगे तो आपको बस वो लिमिटेड जॉब्स दिखेंगी, वरना सारी जॉब्स दिखेंगी। अब यहाँ पे किस जॉब्स के लिए कितनी सैलरी है, क्या जॉब्स का डिस्क्रिप्शन मांगा है, कितना एक्सपीरियंस मांगा है या फ्रेशर मांगा गया है, क्या रिक्वायरमेंट है एलिजिबिलिटी की, वो भी यहाँ आप देख सकते हैं। आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से उस जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन खुल जाती है और बाकी जो और रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ आपको प्रिंट करना है, अगर इस जॉब से रिलेटेड या आपका कोई जनसेवा केंद्र या शॉप है आप दूसरों को बताना चाहते हैं तो आप इसका प्रिंट निकाल के रख सकते हैं और अपनी शॉप पे लगा सकते हैं। आप खुद के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लॉगिन करना होता है। तो ये भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए मुझे इस जॉब के लिए अगर अप्लाई करना था तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आएगा कि आप पार्टनर है इसके लिए, आपको यहाँ पे कंसर्न देना होगा। आप यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके करते ही क्योंकि मैंने यहाँ लॉगिन नहीं करा है तो इसलिए देखिए मुझे ये लॉगिन पे ले आया। तो वापस से चलते हैं जॉब के ऊपर और मैं आपको जो चीज़ें बता रहा था वो बता देता हूँ, बाद में मैं आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये भी मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। तो हम लोग यहाँ पे थे उत्तर प्रदेश की जॉब के अंदर, तो वापस यहीं पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप राइट साइड देख सकते हैं काफ़ी ऑप्शंस आपको दिए हैं। आप अगर बीकॉम के हिसाब से देखना चाहते हैं तो आप बीकॉम के हिसाब से टिक करेंगे। अब यहाँ पे जो फिल्टर के ऑप्शंस हैं ये उसी हिसाब से दिए हैं, जो भी जॉब्स अवेलेबल है उनके जो फिल्टर्स के ऑप्शन होंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएंगे। ऐसा नहीं है यहाँ पे बीकॉम है तो हमेशा बीकॉम ही सिर्फ एजुकेशन में रहता है, सारे ऑप्शंस जॉब के हिसाब से ऑटोमेटिक आते हैं। उसके बाद आपको किस सेक्टर में जॉब चाहिए, देखिए यहाँ सेक्टर्स आ जाता है। उसके बाद किस ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, प्राइवेट या गवर्नमेंट, वो भी यहाँ आ जाता है। किस फंक्शनल एरिया में चाहिए वो भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको स्टेट चेंज करना है तो वो भी डायरेक्टली यहीं से कर सकते हैं। और लास्ट में आता है जो मोर इम्पॉर्टेंट है कि आप फुल टाइम चाहते हैं, इंटर्नशिप चाहते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल, पार्ट टाइम या घर से काम करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ सेलेक्ट करके फिल्टर कर सकते हैं। और इन सबको फिल्टर करने से पहले भी आपको यहाँ फिल्टर करने का ऑप्शन मिलता है कि आप इस तरह से यहाँ सर्च कर सकते हैं, लोकेशन सर्च कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा स्टेट के सर्च करने हैं तो यहाँ पे आप सिंपली जैसे देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश स्टेट लिखा है, अगर मैं यहाँ दूसरा कोई स्टेट मुझे लिखना है तो मैं यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र लिख देता हूँ। थोड़ा सा आप लिखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आने लग जाता है, देखिए इस तरह से इसका चाहिए आप क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र इस तरह से हो जाएगा। जितने भी स्टेट आपको फिल्टर करने हैं इस तरह से आप कर सकते हैं।
उसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी भी है, वो भी आप फिक्स कर सकते हैं कि आपको किस हिसाब से चाहिए, डेली के हिसाब से चाहिए, मंथली चाहिए, वीकली चाहिए, ईयरली चाहिए। अगर अवेलेबल होंगे जॉब्स में ऐसे ऑप्शंस तो वही वाली जॉब्स आएंगी, अगर नहीं आएंगी तो इसका मतलब ऐसी कोई जॉब्स अवेलेबल नहीं है जो क्राइटेरिया आपने यहाँ सेलेक्ट करा है। उसके बाद यहाँ रुपीज़ का भी ऑप्शन है कि आप कितने रुपीज़ मिनिमम चाहते हैं, तो ये मिनिमम जो आप भरेंगे ये मिनिमम में आएगा। और ये लास्ट ऑप्शन है ऑर्गेनाइजेशन टाइप का, जो प्राइवेट या गवर्नमेंट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ज़्यादा सर्च करना चाहते हैं तो ये एडवांस सर्च का ऑप्शन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए और फिल्टर्स यहाँ खुल जाते हैं। ये सारे फिल्टर्स जो हैं वो एक तरह से कुछ फिल्टर्स तो आपके यही हैं जो यहाँ राइट हैंड पर आपको दिखते हैं, लेकिन यहाँ कुछ ऑप्शंस और हैं, जैसे किसी जॉब्स को कैटेगरी वाइज रखा गया है तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं, एज वाइज करना है तो कर सकते हैं, शिफ्ट वाइज करना है मतलब टाइमिंग के हिसाब से तो भी सर्च कर सकते हैं, अगर कोई एक्सपीरियंस के हिसाब से करना है तो यहाँ देख सकते हैं 70 साल तक का एक्सपीरियंस के लिए भी है, तो आप अपना एक्सपीरियंस जो भी है उसके हिसाब से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं। अब वापस से यहाँ आप होम के बटन पर क्लिक करेंगे तो वापस से आप इसके लैंडिंग या डैशबोर्ड पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपको किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप साइन इन करेंगे, उसके बाद ही आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है न्यू यूजर साइनअप का, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी। अब यहाँ रजिस्टर एज का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको बताना होगा कि आप एक जॉब सीकर हैं, एम्प्लॉयर हैं, लोकल सर्विस हैं, हाउस होल्ड हैं, यूज़र हैं, स्किल प्रोवाइडर हैं, काउंसलर हैं, तो आप जिस भी तरीके के हैं आप इसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप यहाँ जॉब सीकर पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक फॉर्म खुल जाता है जिसको आपको पूरा फिल करना होगा, तो मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ, फिर फिल करके आपको सबमिट करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और उसके आधार, पैन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड पे जो नाम मेंशन है आपको वही नेम यहाँ लिखना होगा। उसके बाद यहाँ मिडिल नेम लिखेंगे और लास्ट नेम लिखेंगे, लेकिन अगर आपका सिंगल नेम है तो आप यहाँ फर्स्ट नेम में लिखेंगे, अगर सर नेम खाली लिखते हैं तो भी फर्स्ट नेम में लिखेंगे। बाकी दो फील्ड्स को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ये कंपलसरी नहीं है। उसके बाद यहाँ से जेंडर सेलेक्ट करेंगे, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन में आप पैन कार्ड, आधार कार्ड और अदर्स का ऑप्शन है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर्स का ऑप्शन जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखिए वोटर आईडी कार्ड का ऑप्शन एक्टिव हो जाता है, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और यूएएन नंबर भी आप डाल सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा यहाँ पे जो दो ऑप्शन है ज़्यादातर लोगों के पास होता है, अगर नहीं है तो थर्ड ऑप्शन में आप यहाँ वोटर आईडी कार्ड को सेलेक्ट कर लें। उसके बाद यहाँ पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आप जो भी चीज़ ऊपर सेलेक्ट करेंगे या लगाएंगे उसका नंबर यहाँ आपको डालना होगा, तो यहाँ पे पहले चेक करा जाएगा, अगर सही होगा तभी आप आगे का फॉर्म फिल करके साइनअप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ कैलेंडर पर आप क्लिक करके एक डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, फादर का पूरा नेम डालेंगे, आपकी जो हाइएस्ट क्वालिफिकेशन है आप उसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद किस स्टेट में आप हैं मतलब आपका जो रेजिडेंस एड्रेस है या परमानेंट एड्रेस वो सेलेक्ट करें, एक ईमेल आईडी डालेंगे, यहाँ पर देखिए ईमेल आईडी पे एस्टिक नहीं है, लेकिन काफ़ी जॉब्स के लिए नोटिफिकेशन जो होते हैं वो आपको ईमेल या कॉल के थ्रू ही बता दिए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिएगा, एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा जो कि 8 कैरेक्टर से कम का नहीं होने चाहिए, जिसमें स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर, वर्ड, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, नीचे बताया गया है। तो आप एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज़ योर नेम का ऑप्शन है, जहाँ पे आपको एक यूनिक नेम बनाना होता है, जिसमें यूनिक के लिए आप यूआईडी नंबर भी लगा सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी भी लगा सकते हैं और एनसीएस आईडी भी लगा सकते हैं। लेकिन ये एनसीएस आईडी का जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो एनसीएस पोर्टल ऑटोमेटिक आपको एक आईडी नंबर जनरेट करके देता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पर आप एनसीएस ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, ये ऑटोमेटिक आपको एक आईडी जनरेट करके देगा। अब यहाँ की स्किल्स का ऑप्शन है, की स्किल्स में आपको बताना होगा आपकी हुनर किस में है, कोई एक्सपीरियंस अगर आपको है या फिर किस तरह का काम है जो आप सालों से करते आ रहे हैं तो आप वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे। एक से ज़्यादा अगर आपको काम की नॉलेज है तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह सेमी कॉलन लगा के एक से ज़्यादा जॉब को लिख सकते हैं। उसके बाद ये दिया हुआ कैप्चा कोड आप यहाँ एंटर करेंगे और कंसर्न पे क्लिक करके सबमिट करेंगे। तो मैं यहाँ पे पूरी चीज़ों को फिल कर लेता हूँ, फिर आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल्स को कंप्लीट कर दिया है, अब यहाँ पे कंसर्न देने के बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से स्क्रीन आएगी। आप यहाँ देख सकते हैं आपकी यूज़र आईडी जो है एनसीएस में वो क्रिएट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर के ऊपर और एक ईमेल पे ऊपर एक ओटीपी को सेंड करा है जिसको आपको डाल के वेरीफाई करना होगा। ईमेल और मोबाइल पे अलग अलग ओटीपी जाती है, तो आपको दोनों ओटीपी को अलग अलग डाल के वेरीफाई करना होगा। तो यहाँ मैंने मोबाइल नंबर ओटीपी डाल दी है, पहले आप इसको वेरीफाई करेंगे। तो देखिए वेरीफाई हो गया। अब उसके बाद यहाँ ईमेल पे जो ओटीपी है अब आप उसको इंटर करके वेरीफाई करेंगे। तो मैंने ओटीपी इंटर कर दी है, अब यहाँ वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोनों ओटीपी वेरीफाइड हो गई, लिख के आ गया योर ओटीपी हैज़ बीन वेरीफाइड। अब यहाँ प्रोसीड हियर टू क्लिक का ऑप्शन है जो आपको लॉगिन के पेज पे ले जाएगा,
ये आपकी एनसीएस आईडी है, वैसे आपको लॉगिन के अंदर से भी मिल जाती है, और आपके मोबाइल पे भी एक मैसेज आ जाता है कि यू आर रजिस्टर्ड ऑन दी एनसीएस पोर्टल, और उस पर भी आपकी ये जो आईडी है वो आपको मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे कॉपी या स्नैपशॉट लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अब आप यहाँ क्लिक हेयर पे, ये जो हेयर लिखा है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डायरेक्टली लॉगिन पे ले जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एनसीएस आईडी डाल दी है, पासवर्ड इंटर कर दिया है। और साइन इन करने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको कोई वीडियो चाहिए, हेल्प देखनी है, तो देखिए यहाँ पे किस हिसाब की आपको हेल्प देखनी है, मतलब कैरियर के लिए, काउंसलर के लिए, एम्प्लॉयर के लिए, जॉब सीकर के लिए, तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करके भी यहाँ व्यू करके उस हेल्प को देख सकते हैं जो कि एक वीडियो के फॉर्म में बताया गया है। तो यहाँ पे आप साइन इन पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे वेट करना होगा। अब ये देखिए आप अपने पोर्टल में लॉगिन हो गए हैं। लॉगिन होने के बाद ये जो आपका नेम है वो आपको देखिए यहाँ सर्च बटन के नीचे दिखने लग जाता है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ चेंज पासवर्ड, चेंज यूजर नेम, और अगर आपको अकाउंट डीएक्टिवेट करना है तो भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहीं से आपको साइन आउट करना होता है। तो चलिए इसको बाद में कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी प्रोफाइल 80% कंप्लीट हुई है और अभी भी 15% बाकी है। तो इसमें बाकी क्या है पहले ये देख लेते हैं, फिर आपको किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है और बाकी जो फीचर्स हैं इस नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ अपडेट प्रोफाइल पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा जो कि चार पार्ट में आपको फॉर्म भरना है, जिसमें पहला पार्ट एक्सपीरियंस है, फिर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग है, फिर पर्सनल इन्फो है, और फिर कम्युनिकेशन है। तो आपको ये सारी चीज़ें अपडेट करनी है, जिसमें पहले आपको टोटल एक्सपीरियंस आपको बताना होगा, ईयर में कितना है, फिर मंथ में कितना है, उसके बाद लास्ट अपडेटेड ऑन यहाँ पे आ जाता है। अवेलेबल टू ज्वाइन इन, आप कितने दिन में ज्वाइन कर लेंगे अगर किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे। करंट आपकी जॉब प्रोफाइल क्या थी लास्ट वो आपको बताना होगा, अगर कुछ थी तो ठीक वरना एनए लिख देंगे। उसके बाद यहाँ करंट सैलरी आपकी लास्ट क्या थी वो आप डालेंगे। आपको जो सैलरी मिल रही थी वो मंथ में मिल रही थी, डेली मिल रही थी, वीकली मिल रही थी या ईयरली, ये आपको बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे करंट एम्प्लॉयर ऑर्गेनाइजेशन पूछा है, जहाँ पे आप काम कर रहे थे वो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन था, पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, एनजीओ, पार्टनरशिप, जो भी था आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ प्रेफर्ड लोकेशन के बारे में पूछा गया कि आप किस लोकेशन पे वर्क करना चाहेंगे। तो आप जो भी लोकेशन चाहते हैं उसको थोड़ा सा आप यहाँ पे क्लिक करके दो तीन वर्ड लिखेंगे तो सजेशंस ऑटोमेटिक आ जाता है। तो आपको यहाँ पूरा टाइप नहीं करना है, दो तीन वर्ड लिख के थोड़ा सा रुकेंगे, देखिए इस तरह से सारे सिटीज़ के नेम आ जाते हैं। आप जो भी सिटीज़ में करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लेंगे, अगर एक से ज़्यादा सिटी करनी है तो आप फिर से दो तीन वर्ड लिखेंगे नई सिटी के और ऑटोमेटिक आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऐड होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ जॉब नेचर के बारे में कि आप किस तरह की चाहते हैं, फुल टाइम, पार्ट टाइम, वर्क फ्रॉम होम, तो ये भी आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो भी मर्जी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ शिफ्ट टाइमिंग के बारे में, आप डे में करना चाहते हैं, नाइट में, तो ये भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री के बारे में अपडेट करना है तो भी आप यहाँ पे ऐड मोर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का देखिए पॉपअप आ जाता है। अब यहाँ एम्प्लॉयर नेम, स्टेट, काफ़ी चीज़ें हैं, अगर आपको अपडेट करनी है तो कर सकते हैं, वरना यहाँ से कट कर दीजिए, स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ सेव पे क्लिक कर दीजिए। सेव का बटन आपको ये नीचे और ऊपर दोनों जगह पे मिल जाता है। तो यहाँ देखिए डिटेल सबमिटेड सक्सेसफुली का ऑप्शन आ गया और ये डिटेल आपकी सेव हो गई है। अब यहाँ आएंगे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे क्लिक करेंगे तो सेविंग डेटा का ऑप्शन स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ रुकना होगा। अब यहाँ देख सकते हैं इस तरह से ये ओपन हो जाएगा, आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है वो ऑटोफिल आ रही है। थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे जैसे अदर क्वालिफिकेशन के डिटेल है, अगर ऐड करना है तो कर सकते हैं, वरना आप यहाँ पे भी सिंपली सेव कर देंगे। पर्सनल इन्फो पे आएंगे, यहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ ब्लैंक छोड़ी है तो उसको भी आप अपडेट कर लेंगे। तो इस तरह से आपकी पूरी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। अब जो आपने डेटा भरा था वो देखिए यहाँ पे सब दिख रहा है। लास्ट में आएंगे तो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में आपसे पूछा जाता है, तो आप यहाँ पे आएंगे, सेलेक्ट करेंगे कि आप अभी क्या कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयमेंट है, या जो भी ऑप्शन आपका इसमें अवेलेबल है आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ प्राइमरी लैंग्वेज आपसे पूछी गई है, तो आपकी प्राइमरी लैंग्वेज क्या है, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं लेकिन आपकी प्राइमरी हिंदी है तो आप हिंदी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आर यू आ गवर्नमेंट सर्विस रिटायर्ड, तो आपको यहाँ टिक करना है। आर यू आ एक्स सर्विस मिल रहा है तो आपको टिक करना है, वरना यहाँ पे टिक नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप फिर से सेव पे क्लिक कर देंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऑप्शंस ऊपर भी हैं वो भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ आपको रिलीजन सेलेक्ट करना है, आपका क्या रिलीजन है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आपकी क्या कैटेगरी है। उसके बाद यहाँ मैरिटल स्टेटस है, आप यहाँ पे मैरिड अनमैरिड है सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से जो नेक्स्ट ऑप्शन है स्पाउस का वो ऑटोमेटिक यहाँ से हट जाता है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ सेव पे क्लिक कर देंगे, डिटेल्स हैव बीन सेव सक्सेसफुली आ गया है। अब लास्ट है आपकी कम्युनिकेशन की, और यहाँ पे आप इमेज भी लगा सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी फोल्डर में इमेज रखी है लगा सकते हैं। आप जब नेक्स्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो पुराने टैब की भी डिटेल्स कुछ सेव होने लग जाती हैं। अब आपको यहाँ पे अपना एड्रेस मेंशन करना होगा, जो कि पहले करंट एड्रेस बताना होगा फिर परमानेंट एड्रेस बताना होगा। तो कम्युनिकेशन डिटेल्स में आपको यहाँ पहले अपना एड्रेस पूरा कंप्लीट लिखना होगा। यहाँ पे वैसे एड्रेस लाइन 1 कंपलसरी है, तो यहाँ पे आप चाहे एक बार में पूरा लिख दीजिए या फिर 3 पार्ट में लिखिए, लेकिन यहाँ पे आपको पहला कॉलम भरना जरूरी है, बाकी एड्रेस 2 और एड्रेस 3 आप छोड़ सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे आपका स्टेट अगर नहीं आ रहा तो सेलेक्ट करेंगे, अगर डिस्ट्रिक्ट नहीं आ रहा तो सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको यहाँ तहसील सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी होगी। उसके बाद यहाँ आपके विलेज के ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे, आप विलेज या शहर जो भी आपका एरिया लगता है सेलेक्ट करेंगे, फिर पिन कोड डालेंगे, स्क्रॉल करेंगे या लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है तो डालेंगे, मतलब ब्लैंक छोड़ देंगे। अगर आपका करंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ टिक कर देंगे, तो यहाँ पे लोडिंग होती है। उसके बाद आपका देखिए जो नीचे का एड्रेस है सेम हो जाता है तो आप यहाँ से हट जाता है, लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आप यहाँ टिक हटा देंगे और परमानेंट एड्रेस को अलग से फिल करेंगे। तो यहाँ मैं सेव पे फिर क्लिक कर देता हूँ तो मेरी सारी इन्फॉर्मेशन अब कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे वापस आने के बाद देख सकते हैं इतनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के बाद भी 85% कंप्लीट है। यहाँ पे देखिए रेड कलर का एक अलर्ट आ रहा है इनकम्प्लीट फील्ड्स, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी फील्ड्स अपडेट करनी है देखिए उस पे बारे में बताया जाता है। तो आप जब यहाँ पे अपडेट कर लेंगे उसके बाद आपकी जो प्रोफाइल है 100% कंप्लीट हो जाएगी। डायरेक्टली जाने के लिए आप जो भी इनकम्प्लीट बताई जा रही है आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको वो उसी के अंदर ओपन कर देगा। अब यहाँ पे आपको जैसे ऑप्शन तो यहाँ एडमोर करके जितने भी ऑप्शंस हैं वहाँ पे आपको एडमोर कर करके सारी चीज़ें अपडेट करनी है। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे उसके बाद आपका 100% यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ वापस आते हैं तो ये जो जॉब होम सीकर का ऑप्शन आप देख रहे हैं सबसे पहला ऑप्शन यही होता है जहाँ से आपको प्रोफाइल अपडेट करनी हो। तो ये जो जॉब सीकर का होम ऑप्शन है यही आपका डैशबोर्ड है, यहीं से आप अपडेट करते हैं प्रोफाइल को और जॉब को सर्च भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है व्यू अपडेट NCS प्रोफाइल का, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप अपडेट प्रोफाइल को क्लिक करके भी यहीं आते हैं और ये इनकम्प्लीट फील्ड्स को भी क्लिक करके यहीं आते हैं। तो तीन जगह से इसी पेज पे आप आते हैं जहाँ से आप अपनी ये सब एक्सपीरियंस एजुकेशन पर्सनल और कम्युनिकेशन डिटेल्स को फिल करते हैं। उसके बाद यहाँ वीडियो प्रोफाइल का ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बताया गया है कि आप अपनी प्रोफाइल अपना इंट्रो एक छोटी सी वीडियो बना के भी अपलोड कर सकते हैं। जब जॉब सीकर पे आएंगे आप जॉब सीकर होम पे तो देखिए यहाँ इनकम्प्लीट फील्ड्स का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ भी एक ऑप्शन आ रहा है वीडियो प्रोफाइल इज़ नॉट अप्रूव। तो आप जब अपनी प्रोफाइल बनाएंगे वीडियो बनाएंगे उसको अपलोड करेंगे वो अप्रूव होगी तो भी आपका यहाँ परसेंटेज बढ़ जाएगा। तो यहाँ जॉब सीकर होम पे भी आके आप जॉब को सर्च कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले देखिए यहाँ क्लिक या तो टेक अ सर्वे का ऑप्शन है, आप यहाँ पे सर्वे पहले दे देंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से पेज आएगा, आर यू करंटली एम्प्लॉयड, तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, अगर हैं तो यस करेंगे वरना नो कर देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। हैव यू चेंज योर जॉब रिसेंटली, अगर यस कर रहे थे और चेंज करिए तो यस करेंगे वरना नो कर देंगे, तो आप यहाँ नेक्स्ट कर देंगे। इज़ द न्यू जॉब थ्रू NCS पोर्टल, अगर आपकी पहली जॉब है NCS पोर्टल के थ्रू तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो करेंगे या नॉट एप्लीकेबल पे भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे आप नेक्स्ट करेंगे, फिर यह हैव यू अपडेटेड योर प्रोफाइल रिसेंटली, तो आपको यस और नो पे बताना होगा। अगर प्रोफाइल अपडेट कर ली है तो यहाँ यस पे टिक करेंगे और यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ थैंक फॉर रिस्पॉन्स का मैसेज आएगा, आप यहाँ ओके कर देंगे, सर्वे आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए यू विल बी ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट टू NCS पोर्टल इन 10 सेकेंड, आप यहाँ ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ये ऑटोमेटिकली आपको रिडायरेक्ट कर देगा इसी पेज के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए सर्वे का जो मैसेज था हट गया है, अब यहाँ पे आपका सर्वे कंप्लीट हो गया है। यू में अगेन विल सर्वे आफ्टर 3 मंथ्स, तो 3 महीने में हर बार ये सर्वे होता है, आप देते रहिएगा। अब यहाँ जॉब कैसे आपको सर्च करनी है, अगर आपको कीवर्ड से सर्च करनी है सर्च कर सकते हैं, ये सेक्टर का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे जिस टाइप की आपको जॉब को सर्च करना है यहाँ सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ IT एंड कम्युनिकेशन को क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आप एक्सपीरियंस का ऑप्शन है, कितने साल की जॉब का एक्सपीरियंस आपको चाहिए या फिर आप ढूंढ रहे हैं जो मांगी गई है तो आप सर्च कर सकते हैं। अगर फ्रेशर के लिए ढूंढ रहे हैं तो यहाँ 0 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ लोकेशन आपको सेलेक्ट करनी होगी, ऑल ओवर इंडिया देख रहे हैं या किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, तो आप यहाँ सेलेक्ट लोकेशन पे क्लिक करेंगे और उस सिटी के 2-3 वर्ड आप स्टार्टिंग के लिखेंगे और थोड़ा सा रुक जाएंगे। रुकने के बाद देखिए ये ऑटोमेटिक लोड होता है, सारी सिटीज़ के नेम आ जाते हैं। उसके बाद आप जिस सिटी के लिए अप्लाई कर रहे थे आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे ढूंढ के क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ ढूंढ रहा था लखनऊ के लिए उत्तर प्रदेश, तो यहाँ देखिए मैं सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके आएंगे, उसके बाद यहाँ पे लखनऊ उत्तर प्रदेश करके क्योंकि एक पूरा ऑप्शन होता है, तो यहाँ पे लखनऊ और जो उत्तर प्रदेश में जितनी भी जॉबें होंगी वो सब आपको यहाँ पे शो होंगी। आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं यहाँ लिख के आ रहा टोटल जॉब मैचिंग योर प्रोफाइल इज 4, तो आपकी प्रोफाइल और जो आपने सिलेक्शन ऊपर करा उसके हिसाब से जितनी भी जॉबें हैं यहाँ आ रही हैं। अब आपको मान लीजिए इसमें से किसी जॉब के लिए अगर अप्लाई करना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ UI UX डिज़ाइन के लिए है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस जॉब की पूरी डिटेल देखिए इस तरह से ओपन हो जाती है। आप चाहे तो इस जॉब का प्रिंट निकाल के मैं जैसे मैंने बताया था कि शॉप जनसेवा केंद्र या साइबर कैफे में भी लगा सकते हैं और लोगों के लिए। अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो ये अप्लाई का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इस तरह का पॉपअप आएगा कि यहाँ पे देखिए लिखा है यू विल बी रीडायरेक्ट टू द पार्टनर वेबसाइट, क्लिक ओके टू कंटिन्यू। यू कैन चेक द ऑप्शंस शेयर डिटेल्स विद द पार्टनर इफ यू वांट टू गेट पार्टनर वेबसाइट रजिस्ट्रेशन फ्रॉम प्रीफिल विद योर डिटेल्स। इनके पास हमारी प्रोफाइल को ऑटोमेटिक शेयर कर दिया जाएगा जिसके लिए यहाँ हम कन्फर्म देंगे और यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। तो क्योंकि मुझे एज अ डेमो बताना था मैं अभी यहाँ अप्लाई नहीं कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ ओके नहीं करूँगा। सिंपली यहाँ पे जब आप ओके कर देते हैं
तो यहाँ अप्लाइड लिख के आ जाता है, बस इतना ही डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जॉब, ये तो जॉब सर्च का हो गया, लेकिन आप ये जॉब सीकर होम पे थे तो आपने जॉब सर्च करी थी। मैं आपको फिर से दिखा दूँ, देखिए आपने यहाँ से जॉब सर्च करी थी। एक ऑप्शन और आता है वीडियो प्रोफाइल के बाद सर्च जॉब्स का, आप यहाँ से भी क्लिक करके जॉब्स को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से अगर जॉब आपको सर्च करनी तो कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट आप रहेगा आप होम सेक्शन पे क्लिक करिए, और होम सेक्शन पे क्लिक करने के बाद ज़्यादा समझ में आता है। यहाँ पे आप आने के बाद जो जैसा जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज पहले से दिख जाती है, लेकिन वहाँ से सर्च करने पे आपको बार बार फिल्टर्स करना पड़ता है, लिखने पड़ते हैं, और फिल्टर भी आपको कम मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ आप बस जो भी स्टेट पे अप्लाई करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए इस तरह से फिर से ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे फिल्टर्स भी आपको अच्छे खासे मिल जाते हैं, और यहाँ से भी डायरेक्टली अब आप लॉगिन हैं, क्योंकि देखिए यहाँ आपका नेम लिख के ऊपर आ रहा होता है। तो आप यहाँ पे जो भी जॉब के लिए आपको अप्लाई करना है फिल्टर लगा के सर्च करेंगे और डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपके लिए ज़्यादा ईजी रहेगा और यहाँ से जॉब करना ही बेस्ट रहेगा। उसके बाद यहाँ जॉब अप्लाइड का ऑप्शन है, तो आप जितनी भी जॉब अप्लाइड कर देते हैं, जितने भी लोगों को, जितनी भी कंपनी को, वो सब यहाँ पे दिखती हैं। फिल्टर का ऑप्शन है, आपको ऑल देखना है, एक्टिव देखना है या क्लोज देखना है, ये आप कर सकते हैं। माय इंटरव्यूज़ है, आप जितने भी इंटरव्यूज़ देंगे वो भी यहाँ अपडेट होते रहेंगे। आपकी अपॉइंटमेंट जो भी होगी किसी भी जॉब्स के लिए तो वो भी यहाँ पे आता रहेगा। उसके बाद सबसे लास्ट में देखिए एक ऑप्शन ऑफ है जॉब फेयर एंड इवेंट्स का। अब यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके नियर बाय जितने भी जॉब्स हो रहे होंगे वो भी आप सर्च कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ जितने भी ऑल ओवर इंडिया जितने भी जॉब फेयर्स हो रहे हैं सारे ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपनी सिटी के हिसाब से सर्च कर सकते हैं या स्टेट के हिसाब से सर्च कर सकते हैं अगर कोई जॉब हो रहा है और आप उसमें जाना चाहते हैं। तो यहाँ इवेंट्स और फेयर चला करते हैं जॉब के लिए, चाहे वो प्राइवेट के हो चाहे वो गवर्नमेंट के हो, आप दोनों ही उसको यहाँ देख सकते हैं। स्टेट में जितने भी इवेंट हो रहे हैं चाहे किसी जॉब के लिए जॉब फेयर या इवेंट्स चल रहा है तो वो देखिए यहाँ सारे पता आपको चल जाते हैं। तो जितने भी जॉब फेयर्स हैं पता चल जाएंगे। इवेंट चेक करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे तो यूपी में कोई इवेंट है तो भी पता चल जाएगा, नहीं है तो यहाँ पे ब्लैंक आएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ से भी किसी जॉब फेयर्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो उसके बाद आपको ये जॉब फेयर एंड इवेंट पार्टिसिपेशन का ऑप्शन है, आप यहाँ क्लिक करेंगे तो जॉब फेयर में पार्टिसिपेट करेंगे तो वो भी यहाँ पे आपको दिख जाता है। और सबसे लास्ट में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखिए यहाँ व्यू एंड डाउनलोड सीवी का, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपने जो प्रोफाइल बनाई है वो एज अ रिज्यूम की तरह यहाँ क्रिएट कर दी जाती है, ये देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको यहाँ डाउनलोड प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली डाउनलोड हो जाती है। इसके बाद आप चाहे तो इसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, तो देखिए डाउनलोड। अब यहाँ पे जो इसका कार्ड होता है जो कि काफ़ी ऑफिशियल कार्ड माना जाता है, आप जब इसके थ्रू अप्लाई करेंगे तो बहुत सी कंपनियाँ मांगती हैं कि आप अपना कार्ड लेके आइएगा, नेशनल सर्विस कैरियर का कार्ड, आई कार्ड का ये ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैंने सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ब्लर कर दिया है। अब आप यहाँ डाउनलोड आई कार्ड का ऑप्शन है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली देख सकते हैं ये डाउनलोड हो जाता है। अब आपको बस ये ओपन करना है, जहाँ भी ये डाउनलोड हुआ है इस पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपके सामने शो हो जाता है। अब आप इसका चाहे तो प्रिंट निकाल के अपने साथ रख सकते हैं, और जब किसी जॉब के लिए आपको कॉल करी जाए तो आप ले जाके उसको दिखा सकते हैं। यहाँ आपकी NCS ID होती है, तो बाकी डिटेल्स आपसे इतनी पूछी नहीं, सब कुछ उनको उनके पोर्टल पे ऑलरेडी मिल जाता है आपके नेशनल कैरियर सर्विस से। पोर्टल से रिलेटेड और जो बाकी इंफॉर्मेशनल चीज़ें थी वो मैंने आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में बता दी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट या क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।